हे गाइस, आई एम श्योर वेलकम बैक टू अवर चैनल शिवर्नो। सो गाइस, अभी वैसे भी मैं ना गांव में हूँ, तो आप देख सकते हो आसपास का नज़ारा। हाँ, तो गाइस आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, और शायद ना हर किसी को मतलब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरत का लग सकता है, बिकॉज इसकी ज़रूरत भी है। टॉपिक का नाम आपने थंबनेल में ज़रूर देखा होगा कि मैंने आज क्या टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाला हूँ मैं, और इसके ऊपर मैं और मतलब ये वीडियो पकड़ के ऐसे दो वीडियो बनाऊँगा। तो अभी फर्स्ट वीडियो में मैं आपको बस सजेशन दे सकता हूँ कि आपको क्या कर सकते हैं। तो गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में ना एक मिथ रहता है, एक कन्फ्यूजन होता है कि गे रिलेशनशिप में हम मतलब अपने पार्टनर को कैसे ढूँढें, क्या करें ऐसा कि जिससे हमारा पार्टनर हमारे लाइफ में आ जाए और हमारी लाइफ एक अमेजिंग बन जाए। क्योंकि कोई भी अगर मतलब रास्ते में चलता है, किसी कपल को देखते हैं, ऑब्वियसली उसको ज़रा थोड़ा सा जेलसी फील होती है, ज़रा थोड़ा सा एक अलग सा फील होता है। सो उस टाइम पे हमें मतलब ज़रूरत लगती है कि हमें पार्टनर एक चाहिए जो हमारे साथ हमेशा हर कदम पर हमारे साथ रहे। सो गाइज, बस आज मैं यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे आप के मन के मुताबिक आपको आपका जीवन साथी मिल जाए। तो सबसे पहले गाइज, आपको अगर पार्टनर चाहिए तो मैंने हर वीडियो में एक बात बोली है कि आप खुद के ऊपर ज़्यादातर ध्यान दिया कीजिए, जितना हो सके उतना खुद को डेवलप कीजिए, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं खुद को आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप कर लिया, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो गाइज, मैंने अक्सर ना एक बात नोटिस की है कि ग्राइंडर और ब्लूड, ये दोनों ना मतलब इन दोनों को ना लोगों ने बहुत अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है सभी लोगों के सामने। मतलब यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे कि ग्राइंडर ब्लूड आप मत यूज़ करो, और कुछ कुछ फ्रेंड भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अगर आप ये यूज़ करोगे तो वहाँ पर सब कुछ फ्रॉड होता है, सब कुछ ऐसा वैसा होता है। तो गाइज, मैं एक बात आपसे बोलता हूँ कि कोई भी इंसान कभी शुरू में गलत नहीं होता है, गलत वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की सिचुएशन उसे गलत बना देती है। तो अगर आप ग्राइंडर ब्लूड यूज़, तो सेकंड पॉइंट ये है कि आप सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली सर्च करना, यब भी हो ग्राइंडर हो ब्लूड हो। हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था कि आप यब भी मत देखो, तो यब भी पर मुझे भी इतना ट्रस्ट नहीं, बट ग्राइंडर ब्लूड इट्स टोटली फाइन। तो गाइस, ग्राइंडर ब्लूड आप टोटली यूज़ कर सकते हो, बट उसे यूज़ करने के ना बहुत सारे ऐसे अलग अलग मतलब आपको अलग अलग स्टेप में उसको मतलब यूज़ करना होगा। क्योंकि गाइस क्या होता है ना कि आजकल की पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको मतलब आप जैसा चाहोगे या फिर आप जैसा सोचोगे वैसा ही मिलेगा। कुछ कमियाँ होगी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उनमें कुछ कमियाँ नहीं होगी, होगी कमियाँ, बट उस कमियों को आप कैसे भर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ग्राइंडर पे आप कैसे सर्च कर सकते हो, इन सारे के बारे में मैं आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगा। बट अभी फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप कैसे सर्च कर सकते हो। ऑब्वियसली ग्राइंडर ब्लूड तो सभी लोग यूज़ करते हैं जो भी इस रिलेशन में, मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो भी गे कम्युनिटी से बिलोंग या फिर एलजीबीटीक्यू से बिलोंग करता है, स्पेशल गे के बारे में बात करता हूँ, तो वो लोग ज़्यादातर ग्राइंडर यूज़ करते हैं। उनको पता भी होता है कि ग्राइंडर ब्लूड या फिर गे भी जो भी गे सोशल मीडिया होती है वो आखिर होती क्या है, ये सभी लोगों को पता है। सो आपको भी पता होगा कि क्या है वो प्लेटफॉर्म। तो आप वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर आप आपकी पहली गलती क्या होती है पता है, आप ना सामने वाले की मतलब सामने वाले को जान ही नहीं पाते हो और सीधा उसको मतलब पूछते हो कि रिलेशनशिप के बारे में। तो ये बात गलत है गाइस। पहले ना कोई भी अगर आप कोई भी रिलेशनशिप क्रिएट करते हो तो सामने वाले की भी उतनी ही अहमियत होती है जितनी की आपकी होती है। तो गाइस, ये सारी मैं बातें आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी तो मैंने बस आपको ये बताया कि आप कैसे किस तरीके से आप अपने गे रिलेशन को या फिर गे रिलेशनशिप पार्टनर को अपने लाइफ में एंटर कर सकते हैं, या फिर और आने वाला नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं ऐसा वहाँ पर जाके कि जिससे हमें सच्चे लोगों को पता चले। सो आई होप सो आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आने वाले नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए वेट जरूर करना। फिर से मिलेंगे हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए, इसलिए हैप्पी एंड ऑलवेज। बाय।